कटेगी या फाड़ेगी। दिल बेचारा मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इस ट्रेलर के व्यूज ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। इस ट्रेलर में एक डायलॉग है जो बहुत ही अभी ट्रेंडिंग है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और वो है, जन्म कब लेना है या मरना कब है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जीना कैसे है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। लीड रोल में है सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांघी, इसमें सैफ अली खान भी है। ट्रेलर में जिस तरह से सुशांत का मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी तारे की तरह चमक रहा है, वो दिल बेचारा को ना भूलने वाला एक एक्सपीरियंस देने वाला है। तो आइए चलिए हम चलते हैं अपने ऑडियंस की तरफ और उनसे पूछते हैं कि ये मूवी हिट होगी या फ्लॉप। I've been waiting to watch the movie ever since the talk of the movie started, and when the trailer came out, it made me so happy that it'll be coming out soon. Tumhara naam kis ne rakha? काफी जेनेरिक सा रोम कॉम ट्रेलर है। ऐसे ट्रेलर तो काफी मूवीज का देख लिया, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर बीच में हंसी मजाक और लास्ट में थोड़ा रोना धोना, ऐसा तो हर ही ट्रेलर में होता है। उसके ऊपर ये एक बुक के ऊपर बेस्ड है, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। सो थोड़ा तो स्टोरी मालूम ही है क्या होने वाला है आगे जाके, या फिर थोड़ा ट्विस्ट डाल लेंगे बीच में। मुझे कैंसर। ट्रेलर अच्छा था, इसका रिजेंबलेंस था फॉल्ट इन आवर स्टार्स बुक से भी और मूवी से भी, तो ये देख के अच्छा लग रहा है कि बॉलीवुड में भी इस टाइप का मूवीज बन रहे हैं। मूवी चलेगी, डेफिनेटली चलेगी, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मूवी नहीं चलेगी। ये छोटे पर्दे पे ये मूवी बहुत बड़ी हिट होने वाली है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। मूवी एकदम से हिट होगी हमें, और बिकॉज उसका एक्टिंग बहुत अच्छा होता है, उनका एक्टिंग बहुत अच्छा होता है। क्या लगता है आपको सुशांत की ये मूवी क्यों चलेगी? सुशांत सिंह राजपूत का आखिरी मूवी है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आखिरी मूवी के कारण ही इसको ये मूवी चलेगी या नहीं चलेगी, बट मेरे को लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का एक्टिंग बहुत अच्छा है। तुम्हारा इस तरह से इग्नोर करना वांटेड में फील किया। अगर इसके पास फिल्म में भी देखा जाए, चाहे वो आपको पास फिल्म जैसे चचोरे, राबता एंड केदारनाथ था, MS धोनी था, बहुत अच्छा एक्टिंग किया था उन्होंने, तो ये बात भी कि इनका एक्टिंग के कारण भी मूवी बहुत चलने वाला है। एंड सेकेंड एस्पेक्ट से देखा जाए कि हाँ भी सोशल मीडिया पे बहुत हाइप चल रहा है इस चीज को लेके, सो इस कारण भी मूवी बहुत चलेगी, क्या बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत का लास्ट मूवी है, तो हाँ ये उस हिसाब से भी चलने वाला है। क्या आप ये मूवी देखेंगे? यस, आई एम वेटिंग टू वॉच हिज मूवी। सुशांत सिंह राजपूत मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर थे, एंड ये उनकी आखिरी मूवी है, सो आई एम रियली अप टू रिवाइव माई एवरी मेमोरी रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। आई विल नॉट वॉच इट जस्ट बिकॉज इट हैज सुशांत इन इट, आई विल नॉट वॉच इट बिकॉज आई ऑलरेडी नो हाउ द बुक कम्स आउट टू बी और द मूवी इन द हॉलीवुड विच वॉज फर्स्ट मेड, द वन विच वॉज एक्चुअली बेस्ड ऑन द बुक, सो या नॉट वर्थ द वॉच, लाइक आई विल रादर इन्वेस्ट माई टाइम इन सम टीवी सीरीज। हाँ, ये ट्रेलर देखने के बाद मेरे को लगता है पक्का से मूवी देखेगा, और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं अभी नहीं है, कभी नहीं, कभी नहीं। चल छुट। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ हिट, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट इट एज अ मस्ट वॉच ऑलरेडी बिफोर वॉचिंग इट। मेरा नाम इमैनुअल राजकुमार जूनियर है, कुछ साल पहले मुझे ऑस्ट्रोसार्कोमा छू के निकल गया, बट आई एम अ फाइटर एंड आई हैव नेवर एवर हैड सेक्स। हाँ डेफिनेटली वेट तो बहुत है ये मूवी का ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे भी सुशांत सिंह राजपूत का डेथ की वजह से इतना कॉन्ट्रोवर्सी हुआ, सब वेट कर रहे होंगे ये मूवी का, देखते हैं कैसा होता है, होप कर रहे अच्छा होगा मूवी। ये ट्रेलर देखकर आपको क्या लगता है सुशांत और संजना की केमिस्ट्री कैसी रही होगी इस मूवी पे? ट्रेलर वॉज फैबुलस, बोथ द एक्टर एंड द एक्ट्रेस का कॉम्बिनेशन, द कोऑर्डिनेशन वाज वेरी नाइस, पर ये कहानी अधूरी है, इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। एंड या मेरे को लगता है इनका केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा होगा, एंड आई विल बी कीन टू वॉच इट। सुशांत सिंह राजपूत की केमिस्ट्री
केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब ये लोग का जोड़ी अच्छा लग रहा था, दोनों यंग भी हैं। तो मेरे हार्ट के लिए जरूरी बीट्स फास्टर एवरी टाइम यू कम क्लोजर। और संजना सिंह की एक्टिंग भी अच्छी लग रही थी। और फेयर टू एम बाबू, मेरा नाम किजी बासु है, क्यों है मत पूछो। तो अब देखते हैं मूवी में, पूरा मूवी देखेंगे तब पता चलेगा एग्जैक्ट कैसा है इनका केमिस्ट्री। इस ट्रेलर को देख के आपको सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग कैसी लगी? Acting of Sushant Singh Rajput is all, fabulous as always because I'm a very big fan of Sushant Singh Rajput. So yeah, I'll be keen for watching all the movies. तुम safe नहीं लगते, serial killer type के लगते। It's not just the movie, it's even the actor. Sushant has always been like a realistic actor. He has the potential to take you on an emotional ride when it comes to any movie. I've always loved all his movies. There's not a single movie I've hated where he's acted. तुम्हारा नाम? सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग का तो यार कोई जवाब नहीं, मतलब इतना अच्छा एक्टर है वो, इतना वर्सेटाइल एक्टर है, उसका एक्सप्रेशन, उसका डायलॉग बोलने का तरीका, उसका कॉमिक टाइमिंग सब बहुत अच्छे, तो इस मूवी में भी उसका एक्टिंग तो बवाल लगा। तो देखा आपने, ये थे दर्शकों के रिव्यूज। दर्शकों ने इस ट्रेलर को काफी ही ज्यादा पसंद किया है, उन्हें लगता है ये मूवी चलेगी। ये मूवी 24 जुलाई 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हो रही है और ये मूवी सभी दर्शकों के लिए फ्री है। तो चलिए आगे देखते हैं इस मूवी का क्या हालचाल होने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय। मैं तन्वी फ्रॉम लाइट टीम।